अंकल ये उठ गया चलो लाइव नंबर इसको बोलता तो बड़ा निकाल देना। अरे बोल रहे थे आप मैं वही निकालता था इनके इसी क्या नाम लोकसभा का मतदाता हूँ तिवारी जी के मनोज तिवारी तो आप क्या देख रहे हैं तो खड़े हो जाए जो युवा है उनका क्या रुझान जो युवा लोग हैं उनका क्या रुझान देखिए आज आपसे किसी से बात हुई कितने युवाओं से मेरी तो अनेक युवाओं से बात हुई है और सभी युवा और मैं कहता हूँ युवा नहीं किसान मजदूर हमारी जो बहने हैं ये सभी का रुझान आज देश के लिए है। किसान तो इस एरिया में नहीं नहीं मैं 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 किसान किसान का संबंध तो आया है ना ऐसा नहीं है समाज जीवन में काम करने से आपको सब लोग मिलते हैं मजदूर भी मिलता है किसान भी मिलता है तो सबका ये कहना है कि जो देश के हित में काम करेगा हम उसको वोट देंगे और उनको लगता है कि आज देश के हित में काम करने वाला केवल एक ही है वो है नरेंद्र भाई मोदी सारे यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी को वोट दे रहे हैं निश्चित रूप से आप मोदी जी को वोट दे रहे हैं या मनोज तिवारी को वोट दे रहे हैं देखिए ये बड़ी बड़ा महत्वपूर्ण आपने प्रश्न किया देश का प्रधानमंत्री चुनना आज ये बड़ा महत्व का विषय हो गया है क्योंकि जिस प्रकार से सारे ही विपक्षियों का गठबंधन बना उन्होंने सबसे पहले चोट की है क्या नाम नरेंद्र मोदी को मनोज तिवारी को टारगेट नहीं बनाते वो टारगेट बनाते हैं नरेंद्र मोदी जी को तो उन लोगों ने इस चुनाव को डाइवर्ट कर दिया नरेंद्र मोदी की तरफ और मैं समझता हूं जनता ने भी उसको लिया जवाब दिया नरेंद्र मोदी से तो वो कह रहे हैं कि हम नरेंद्र मोदी को चुन रहे हैं ये विपक्षियों के गठबंधन का जवाब है मनोज तिवारी का चुनाव नहीं उन्होंने क्या है यहाँ पे विकास कार्य पांच साल से वो एमपी है विकास कार्य किए नहीं किए लोग तो लोकल आदमी तो उसी को देखेगा देखिए आप समझदार व्यक्ति हैं लोकसभा के प्रत्याशी का काम क्या होता है वो अलग विषय है एमएलए का काम होता है लोकल क्षेत्र के अंदर सड़कों का इनका ध्यान करना और जो कॉर्पोरेटर है उसका काम होता है सफाई का ध्यान करना प्राथमिक एजुकेशन प्राथमिक चिकित्सा का ध्यान करना और लोकसभा के मेंबर का क्या दायित्व है संसद में जाकर आवाज उठाना जो क्षेत्र की आवाज है थोड़ी बहुत जो कमियां हैं और जो कानून बनते हैं देश के लिए उन कानून का समर्थन करना ये लोकसभा के सांसद का सर एक क्वेश्चन है जैसे भाजपा इसने जैसे संसदीय बोर्ड अपना नेता नियुक्त करता है यहाँ पहले ही दिखा दिया कि प्रधानमंत्री मोदी होंगे ये कैसी परंपरा है इससे अच्छा तो राष्ट्रपति प्रणाली जैसे अमेरिका में वैसी होनी चाहिए अरे भाई प्रधानमंत्री तो हमने पहले कैंडिडेट अपना क्वेश्चन कर दिया ना तो प्रधानमंत्री पर हो रहा है हमने नहीं सारे विपक्ष ने ये महागठबंधन ने जो महामिलावटी गठबंधन है उन्होंने लड़ाई बना दी है प्रधान नरेंद्र मोदी के तो आज नरेंद्र मोदी की लड़ाई उन्होंने बनाई है हमने नहीं बनाई है धन्यवाद मैडम आप कहाँ से नहीं नहीं मतलब कहाँ रहते हैं इसीलिए शालीमार गार्डन यूपी में यूपी का तो चुनाव नहीं है चुनाव तो दिल्ली का हुआ है किसको सपोर्ट करने आए बीजेपी को सपोर्ट बीजेपी वालों ने बुलाया था कि अब दिल्ली में वर्कर कम हो गए हैं कि ज्यादा लोग आ गए नहीं अपनी इच्छा से इसी क्षेत्र में कैसे है आपके कुछ मिलने वाले मित्र वगैरह वहाँ हाँ अच्छा यूनिवर्सिटी पढ़ाती हैं स्टूडेंट क्या कहते हैं आपको नहीं कैसे मोदी के साथ है कितनी बेरोजगारी फैली हुई है सारे युवा तो सब कह रहे कि हम बेरोजगार हैं बेरोजगार इस समय जैसे अभी पुलवामा का अटैक जो हुआ था उसके बाद जो जब कॉलेजों में आ गया था जब हमने
स्ट्राइक किया था, इस दिन के बाद से लेकर युवा में वही राष्ट्रवाद है, वही एक करंट चीज है जो सारे युवाओं को मोदी की तरफ। मैडम आप तो विश्वविद्यालय में लेक्चरर हैं, शायद आपको मालूम हो या नहीं मालूम हो, यहाँ करीब 70-80 हजार बच्चे हर साल यहाँ पास होते हैं और यहाँ कॉलेजों में सीट 5-6 हजार ही। अब बाकी बच्चों का तो भविष्य बड़ा, यहाँ दिल्ली में कॉलेज नहीं खुले सालों से। ये तो आपकी केंद्र सरकार को देखना चाहिए कि दिल्ली में कॉलेज, यही केजरीवाल आपके आरोप लगाते हैं कि केंद्र सरकार ने, क्योंकि ये पूरा राज्य नहीं है, यहाँ कॉलेज नहीं खुले। अब इतने सारे स्टूडेंट जो पास आउट होकर जाएंगे बेचारे कहाँ जाएंगे, उनको मात्र पीजी की 7,000 से भी कम सीटें हैं और टोटल 56,000 से ज्यादा 60,000 के लगभग ग्रेजुएशन होता है, तो इतना बड़ा गैप आज से नहीं लंबा चौड़ा चल रहा है, इस पे क्या कर रहे हैं? मोदी जी ने 25% सीटें बढ़ाई हैं, लेकिन आपका मैनिफेस्टो देखिए उसमें क्या बोला था कि मैं खोलूंगा। आपको अब राष्ट्रीय, अब आपको राष्ट्रीय स्तर की पार्टी नहीं है, वो तो लोकल है। अब उनके अगर 7 MP जीत गए तो वो क्या करेंगे, तो कुछ कर पाएंगे क्या? तो मेन मुख्य लड़ाई कांग्रेस और भाजपा में। तो आप एज ए यूनिवर्सिटी लेक्चरर हैं, आप क्या बच्चों को संबोधित करते हैं कि देश का भविष्य किसके हाथ में सुरक्षित है? देखिए हम सीधे सीधे तो मैं बच्चों को ये बात नहीं कर सकती हूँ, लेकिन बच्चे जैसे बच्चों का जो उत्तर आता है, जैसे मैंने बोला फर्स्ट टाइम वोटर कितने बच्चे हैं, अच्छा कहाँ क्या इरादा है तुम्हारा, मैडम वो हमारा अभिनंदन वापिस आया था ना, तो हम तो इन्हीं को वोट देने वाले हैं क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है। मतलब देश में कुछ अच्छे कार्य हो रहे हैं, उसी आधार पर देश का युवा चाहता है कि यही प्रधानमंत्री कंटिन्यू करे। हाँ, हमारे कॉलेज का पहला फेस्ट हुआ था हिंदी डिपार्टमेंट का, तो हम उसके नाम को लेके सोच रहे थे कि क्या नाम रखिए, तो बच्चों ने उसका नाम अभिनंदन फेस्ट रखा सिर्फ इसलिए, और तब से लेकर अब तक हमारा पूरा यूथ इसी राष्ट्रवाद के मुद्दे को लेकर मोदी को वोट दे। आप अपना नाम और वो बताएंगे? मेरा डॉक्टर ममता धवन, मैत्रेय कॉलेज। हिंदुस्तान घूम, भाई साहब की मजा आएगा, आप पूरा हिंदुस्तान घूम के आए हम सब। जी अनिल भाटी जी, आप इस क्षेत्र के दिल्ली विश्वविद्यालय में गए, आप खड़े हैं, आप इस क्षेत्र के निवासी? बिल्कुल इसी क्षेत्र का निवासी हूँ और यही का मतदाता हूँ। तो ये मनोज तिवारी की जो सीट है, क्या इसमें कुछ गांव के एरिया भी आते हैं क्या? इसमें गांव के एरिया भी आते हैं, जगतपुर गांव आता है, गोपालपुर गांव आता है, चंद्रावल आता है, गांव है ढका गांव आता है, क्योंकि दिल्ली का जो स्वरूप है वो गांवों पे ही तो बसा है। दिल्ली का क्या था, सारे गांव थे। आप कोई भी गांव देख लो, उसकी जमीनों को एक्वायर कर करके तो ये शहरीकरण बसा है। मूल तो दिल्ली के निवासी वो गांव वाले हैं, बाकी तो सब बाहर से आके ही इन लोगों ने चीजों को दिखाया। समाज में ऐसी धारणा होती है कि जो भाजपा के पक्ष में शहर के लोग ज्यादा वोट करते हैं, गांव वाले वोट जो भाजपा के लिए नहीं करते, ऐसा वो महागठबंधन में या और क्षेत्रीय दलों में या कांग्रेस में या इधर उधर डिवाइड हो जाती है, ऐसा कहा जाता है कि गांव का वोट बीजेपी को नहीं पड़ता है, तो क्या है? ये सच्चाई है? आपको खुद एक गांव से बिलोंग करते हैं, ये एक गलत धारणा है। किसी की व्यक्तिगत कोई सोच है, विचार है, उसको आप सबके ऊपर लागू नहीं करना। अब दूसरी बात है कि जो गांव देहात के लोग हैं वो कैसे, ऐसे था कि जब लोग मजदूर खेत किसानी करके हम लोग अपना जीवन यापन करते थे तो हम राजनीतिक रूप से जागरूक नहीं थे। अब हम जागरूक हुए तो मुझे आज आप बता दो, दिल्ली में यदि जागरूकता नहीं होती तो रमेश मजूरी जी वहां से एमपी ना होते, परवेश वर्मा जी वहां से एमपी ना होते। वो तो देखिए 2014 में तो हवा थी, हवा थी, अभी असली लड़ाई तो अभी है, जहां तीन तीन पार्टियां, तीनों पार्टी बड़ी प्रमुखता से और बड़े धाकड़ स्टाइल से लड़ रही हैं, तो अभी पता लगेगा कि विदुड़ू जी गांव से जीत के आते हैं कि नहीं आते। वो तो हवा थी उस समय 2014 में, तो 80 में से 73 सीटें बीजेपी को मिल गई, अच्छी बात है, अभी भी जो भी मिलेगी। लेकिन तो गांव की स्थिति जो आपने कहा ना विदुड़ू जी की बात, विदुड़ू जी अभी अगर आज जीतते हैं, अगर 23 तारीख या 24 तारीख को जब रिजल्ट आएंगे तब माना जाएगा कि गांव का वोट भी बीजेपी के साथ। देखो लोकसभा का जो चुनाव होता है उसके अंदर क्या होता है, इनका काम है कि ऊपर जाके नीतियां बनाना और अपने देश के विकास में दे देना। एमपी से इतना ज्यादा 1-to-1 इंटरेक्शन नहीं रहता आम पब्लिक का, उसके लिए विधायक है, निगम पार्षद है, जब गली खरंजे रोड इनकी व्यवस्था की बात आएगी तब वो देखेंगे। हिंदुस्तान में जो भी चुनाव होते थे आज से पहले वो जातिवाद, क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद, भाई भतीजावाद पे होते थे अधिकतर। लेकिन अभी, नहीं, अभी, मैं, अभी मैं बताता हूँ, लेट मी अभी भी लेट मी नहीं 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 एक हिंदू और मुस्लिम मुझे ऐड कर जातिवाद मुझे ऐड करने दो मुझे ऐड करना है उसके अंदर एक राष्ट्रवाद का नया शब्द और नई परिकल्पना मोदी जी ने दी, जिसके अंदर आज हर कोई व्यक्ति सोचता है कि राष्ट्र को मजबूत करना है। आप इंटरनेशनल लेवल पे अपने डिप्लोमेसी देखो, अपनी पोजीशन देखो, आज आप कहाँ खड़े हो, विश्व आपका सम्मान की दृष्टि से देखता है। क्या पहले प्रधानमंत्री नहीं होते थे? पहले मंत्री बाहर नहीं जाते थे प्रधानमंत्री, लेकिन हर आदमी का अपना अपना करने का तरीका होता है, अपनी ब्लू प्रिंट बनाना कि भाई कैसे चलना। लेकिन पहले जितने भी प्रधानमंत्री रहे क्या वो राष्ट्र के खिलाफ काम किया? नहीं, राष्ट्र के खिलाफ तो मैंने कहा ही नहीं, तो आपके अपने राष्ट्र नहीं, मैं कहता हूँ लेकिन
वो इतने प्रभावी नहीं थे वहां पे, उनका व्यक्तित्व इतना प्रभावी नहीं था कि तरीके से अपनी चीज को अपने देश को प्रेजेंट नहीं कर पाए, लेकिन मोदी जी ने किया, चीजें बदली। अब आप लोगों एक का बात और, क्या अगर मोदी जी आते हैं दोबारा, एक सिर्फ आपके हिसाब से एक पॉइंट क्या हो सकता है कि आप चाहते हैं कि अगले पांच साल में मोदी जी वो करें? ये है कि जितनी भी पॉलिसीज, जितनी भी मोदी जी ने अब तक बनाई है, अब उनका समय आएगा, उनके परिणाम वो अपने आप ही आपको आने वाले 5 वर्षों में नजर आ जाएंगे। धन्यवाद भाटी जी।